नमस्कार मु बंदिता। सेना सरकार एते निर्दय होई पारे एभली रक्तमुखा होई पारे ताहा काहारी कल्पना रे नथिबो। निर्वाचित सरकार ठरु बलपूर्वक क्षमता छड़ाई आनिथिबा मिलिटरी नेता देशरे एभली हिंसा घटाई पारंती ताहे ताहा केही केबे भी भाबि नथिबे। शनिवार म्यांमार रक्तर होली खेलाई देछि जुंता सरकार। जुंता नेता तथा सीनियर जनरल मिन अंग हलेंग सेना सहायता रे आंदोलनकारी को ऊपर चलाइछंती आखि बुजाकुली। काहेकि म्यांमार रे एभली नरसंहार कौन यार कारण बर्ष बर्ष धरी अशांत रही म्यांमार रे केबे एवं केमिति फेरिब शांति ए सबको नहीं आज न्यूज रो स्पेशल म्यांमार रे नरसंहार। विश्वर सबुठारु दीर्घ समय धरी चलिथिबा गृहजुद्ध आमे माने देखि आसुचे विगत पाखापाखि 70 वर्ष धरी म्यांमार रे एमिति अराजकतार शासन चलिछि एवं बारंबार जदि गणतंत्र आडकु मुहाउछि भी देश परवर्ती समय रे पुणि सेमिति अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि होउछि जहा फळरे पुणि थरे रक्तमुखा होउछन्ति सरकार। एवं जो शनिवार दिन जो घटना घटिछि ताहा त सबुकु अतिक्रम करि जाइछि। शनिवार दिनर घटना सेना लगाई बुहाई देले रक्तर नई एवं गुली करी 114 जन को जवान माने हत्या करिछंती। मृतकों मध्ये 6 अधिक छोट पिला अछंती एवं एही बर्बरोचित आक्रमण को निंदा करिछंती 10 देशर सेना मुख्य। कार्यानुष्ठान पई जातिसंघ तरफ रु चेतावनी मध्ये दिया जाइछि। सेना प्रतिष्ठा दिवस रे रक्तमुखा होइछंती जवान। विक्षोभकारी को ऊपर आखि बुजा गुली चालना करा जाइछि। आक्रमण रु निरीह जनता मध्य बर्ती पारि नाहंती एवं 114 जन निरीह 114 जन को हत्या करिछंती जवान। दृश्य आपण माने देखि पारुथिबे केते बर्बरोचित हत्याकांड थिला एवं सेना जवान माने केमिति गुली चालना आखि बुजा करिथिले एवं गोटिए परे गोटिए निरीह जनता टळी पडिथिले। सेमानक मृतदेह को मध्य घोसारी घोसारी सेमाने राजरास्ता उपर नेउथिले। सामरिक सरकार रक्तमुखा दृश्य आम मैंने देखुचे जहाँकि आंदोलन सृष्टि करी द्वंद्व सृष्टि कर समस्त मन में गोटे आशंका सृष्टि करी कि यही सरकार केबे पतन हेबो एवं शांति केबे आसिबो म्यांमार रे नरसंहार कौन पाई केमिति फेरिब शांति से सबको नहीं आज आम आलोचना करवा। मो सहित अतिथि वर्तमान उपस्थित अच्छा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डाक्टर प्रशांत साहू। अच्छा डाक्टर साहू आपको स्वागत करोड़िया को टी जानवाक चाहिए ये जो अराजकता कथा आम आलोचना करुचे कि अशांति कथा आलोचना करुचे जहाँकि विश्वर सबुठ बड़ गृहजुद्ध कहुची जहाँकि दीर्घ वर्ष धरी 70 वर्ष पखापाखि धरी लग रही सबू कौन पाई प्रथम टे कारण नहीं कह देख आम म्यांमार कंटेक्सट आम देखिले जे म्यांमार रे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आसी सेटा केवल ओकेजनल थ्रू आउट म्यांमार हिस्ट्री आम देखी इट इज अलमोस्ट हुंता रूल जो मिलिटरी रूल होउची तेणु म्यांमार कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट अकॉर्डिंगली जदिओ से कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट से मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन रो इशारा होती इवन एबे अंग सान सुकिंग कर जेतेबेले चली थिला रूल सेतेबेले मध्य आमे देखिले जे मिलिटरी फुल कंट्रोल रे थिला। बिल्कुल इनफैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैला से अमेंडमेंट रे इनिशियली जो अंग सान सुकिंग का सरकार जो प्रपोजल देथिले जे मिलिटरी रोल को एक्सक्लूड करिया पई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे तारी अगेंस्ट रे ही जो मिलिटरी टेक ओवर म्यांमार रे हिची तेणु म्यांमार हिस्ट्री जदि आम देखा तेल आम देखुं डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन स्ट्रांग नुहे सिविल सोसाइटी एत स्ट्रांग नुहे जितेबले लॉन्ग यू नो इयर्स धरिकी मिलिटरी रूल चली से जो पूरा वर्ल्ड जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस अच्छी से माने म्यांमार सहित सफिशिएंटली एंगेजमेंट करना। इनफैक्ट अंग सान सुकी सरकार समय कहि जे भारत तरफ सफिसीयंट एंगेजमेंट सेन्स म्यांमार जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अच्छी सिविल सोसाइटी अच्छी प्रेस अच्छी ताकु आहुरी गाल्वनाइज करने आहुरी सशक्त करने जो डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट दरकार से एंगेजमेंट सफिसीयंटली म्यांमार सहित होना। इनफैक्ट आमर साउथ ईस्ट एशियन स्टेट सहित सफिसीयंटली से प्रकार डीपनिंग अफ डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप ना जदिओ नेशन टू नेशन रिलेशनशिप अच्छी इंडिया म्यांमार स्ट्राटेजिक कोऑपरेशन अच्छी इंडिया म्यांमार यू नो पॉलिटिकल बॉर्डर मैनेजमेंट यू कोऑपरेशन अच्छी तेणु म्यांमार भाया देश में जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज एत स्ट्रांग नुहे
सेठी डेमोक्रेसी को एनकरेज करिबा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सशक्त करिबा डेफिनेटली डिफिकल्ट बट एट द सेम टाइम आज जो परिस्थिति सृष्टि होती जो आप देखुं जो फेब्रुवरी मस रे जो मिलिट्री टेकओवर है जो अच्छा बर्तमान गोटे सब बड़ कथा है चाइनार गोटे फुल टैसिड सपोर्ट अच्छी कहीं आम देखिले जितेबाला फेब्रुवरी मिलिट्री टेकओवर है मिलिट्री कू है सेतेबाला चाइना या केवल गोटे कैबिनेट रिशफल इन म्यांमार बोली कहला तेणु चाइना भलिया कंट्री जोटा कि बर्तमान नाउ अलमोस्ट सेकेंड यू नो वर्ल्ड सुपर पावर से जदि अमेरिकन मिलिटरी हुंता को कोभर्ट एंड ओवर्ट बोथ सपोर्ट सफिसीयंटली करुच्छी ताले इट इज वेरी डिफिकल्ट आम म्यांमार डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फेरक आने वेरी डिफिकल्ट ता छड़ा आपण देखिबे एबे इन द लास्ट फ्यू इयर्स चाइना स्ट्रांग हेला परे जेहेतु चाइना गोटे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री इनफैक्ट एंटी डेमोक्रेटिक कंट्री तेणु चाइना स्ट्रांग हेला परे एवं नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर हेला परे चाइना बहुत डेमोक्रेटिक कंट्रीज गुड़ाक नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को एक्टिवेट करने को चेष्टा कर वर्तमान प्रोसेस चली सीमा पाखरे जेहेतु अच्छी म्यांमार निश्चित भाव में कि अधिक आलोचना करी डॉक्टर साहू एने की आप सहित आम सहित संविधान विशेषज्ञ अमरेश्वर मिश्र सर अच्छा आम सहित श्रीयुक्त मिश्र आपको स्वागत करूज नोडिया को टी आपठ जानवाक चाहिए जो सब कारण नहीं कि जो सब पॉइंट नहीं कि आम आलोचना करुचे जदि संविधान सेमी गठन करतमान पर्यटन विश्वस्तर कौन सी बड़ शक्ति कि विश्वस्तर विश्व राष्ट्र समूह एथेर कौन पर हस्तक्षेप करते बड़ इनसीडेट होगापर ही जतिसंघ तरफ चेतावनी दि जाऊँच ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ତ ଆଗରୁ ଶୁଣୁଥିଲି ଡକ୍ଟର ସାହୁ କଥା କଥା ହେଲା ସିଏ ଅନେକାଂଶରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତେବେଳେ ତିଷ୍ଠିବ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହଉ ତାଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚଳନି ପ୍ରଚଳନି ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ଯଦି ଆପଣ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଭାବରେ ନ ନେବେ ତାହେଲେ ଡେମୋକ୍ରାସି ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଇତିହାସ ରହିଛି ସେ ଇତିହାସ କହୁଛି ଯେମିତି ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ମି ପଛରେ ରହୁଛି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆର୍ମି ରୁଲ୍ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ପଛଦ ପଟରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ବାହାରୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି କଥା ରହିଲା ଯେ ଚାଇନା ଆଉ ଆମେରିକା ଇଏ ଯୋଡ଼ାଏ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଦୁଇ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହାଇ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଆଁମାର ପ୍ରତି ହାତ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର କାହିଁକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ତିଷ୍ଠି ନ ରହିବ ପୃଥିବୀରେ ତାହେଲେ ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଘଟିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ବୋଚିତ ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ଜନସାଧାରଣ ଉପରେ ସେଠି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଭଳିଆ ବଳିଷ୍ଠ ଇଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଯେତେବେଳେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ହବ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ପଡିବ ତା କଥାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହାତ ବଢେଇକି ତାକୁ ଦୃଢ କରେଇବେ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ବୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦବେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଯୋଉଟା ଭାବରେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରାଇଟ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନଦେବା ଆଜିର ଦେଶ ମାନେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଭଳି ଚଳିବା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମିତି ଚଳିବାକୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପୃଥିବୀ ଚଳୁଛି ଶାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଶ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ମି ଭାବୁଛି ଯେ ବନ୍ଧୁକ ମାନେ ସବୁକିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆର୍ମି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଯେତେକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ କଣ ହେଇଛି ବନ୍ଧୁକ ମନରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଆଉ କରିପାରିଲା କି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର ହବ ଟର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଇଏ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଉପରକୁ ଗଲେ ତାର ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର।
बिना सॉफ्टवेयर किसी पार कहीं चाइना आमेरिका जोड़ा सब रुषिया जदि रुषिया गोटे बड़ रोल रहा दरकार क्या रुषिया रुषिया गणतांत्रिक पद्धति आरंभ होती कार्य कर चाइनार गणतांत्रिक ये रही लोक गणतंत्र को भल पाती कि उपाय ना तेणु बर्तमान कथा हो बर्तमान गोटे सिचुएसन सारा विश्व में लोक मैंने सब जगार सिविल सोसाइटी सुड बी ऑर्गेनाइज टुगेदर क्या गोटे फेडराल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हम ताले सब देशर नागरिक मैंने एकत्रित हेबा से फाइट कले फाइट सह हाथ मिले पड़ो विश्वर राष्ट्र समूह को जदि से सपोर्ट मिलला हुए तो यह सबूर अंत हो पार जहा कि विगत बहुत वर्ष है देखी आसुच्च म्यांमारवासी सेठारे शांति बोली से माने जो कथा शुणाक पाई केवल भविष्य से शांति देखिपर शांतिर सह बचिपर डॉक्टर साहू बर्तमान जो कथा आम आलोचना करुचे चीन र जो इनवॉल्वमेंट कथा सामना को आसू जेहेतु सीमार म्यांमार अच्छी म्यांमार मध्य बहु अंशरे चीन उपर डिपेंडेंट रहुची से इकोनॉमिक दृष्टि कहतु कि वाणिज्यिक दृष्टि कहतु बहुत गुड़े इफोर्ट चीन मध्य देउची म्यांमार को सब प्रकार चेष्टा करुचे केमिति निज भलिया गोटे राष्ट्र तैयारी करि पारिबो एवं किछि ना किछि तांको उपर मध्य कर्तृत्व जाहिर करि पारिबो वर्तमान चीन को मध्य इंटरनेशनल यूनियन किंबा जातिसंघ मध्य से नै कि गोटे चेतावनी देबार आवश्यकता रहिछ कि एटलीस्ट एमिति करिबारु निवृत्त रहिबाने नै देखंतु हमर पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वार जो इंटरनेशनल अरेंजमेंट हिछि से अरेंजमेंट रे डेमोक्रेटिक फोर्सेस को एनकरेज करबा पई सफिशिएंट प्लेटफार्म नाही काई ना आपण देखंतु जितेबाला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या सोवियत यूनियन वाज अ मेंबर विथ अ भिटो पावर से सोवियत यूनियन डेमोक्रेटिक कंट्री नथिला चाइना एंट्री कला बेले चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नथिला आपण देखंतु लास्ट 25 इनफैक्ट 30 इयर्स भितरे जेबेटु रोनाल्ड रेगन चाइना भिजिट कले सेबेटु आपण देखिबे चाइना रे अमेरिका एते इन्वेस्टमेंट करिछि इन टर्म्स अफ इकोनॉमिक्स इन टर्म्स अफ यू नो जिओ पॉलिटिकल इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा आज चाइना बर्तमान यूएसए को चैलेंज करुच्छी सेतेबेले चाइना पाखे ऑप्शन थिला गोटे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को गोटे इकोनॉमिक पावर न करिया पाई किंतु अमेरिका इन्वेस्ट कला विगत दिन में आम देखी अमेरिका बहुत नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को विभिन्न कंट्री में इनफैक्ट मिलिटरी टेकओवर को मध्य सपोर्ट करिछि तेणु आपण देखंतु पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वार जो गोटे होप थिला जे डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिभाइवल हम सब कंट्री रे एंड विल मूव टुवर्ड्स पीस तापाई सफिशिएंट स्टेप आम नहीं नांती वर्तमान आपण देखंतु गोटे नॉन डेमोक्रेटिक इनफैक्ट डिक्टेटोरियल एंड टोटलिटेरियन स्टेट मानकर गोटे एक्सिस न्यू एक्सिस क्रिएट होइछि आपण देखंतु वर्तमान चाइना यूएस आम रशिया भितरे जो नुआ कोऑपरेशन स्टार्ट होइछि ये जो क्वाड समिट पर आमर आपड़ देखूँ कंट्रीज लाइक टर्की कंट्री लाइक पाकिस्तान एम सब जॉइन करतमान साउथ ईस्ट एशिया को चाइना तार नेचुरल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोली भावुची जो कि म्यांमार हूँ तापी गेटवे कहीं म्यांमार थ्रुए सी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सहित बेटर जिओ स्ट्राटेजिक जिओ इकोनॉमिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पार इंक्लूडिंग ट्रेड इंटरेस्ट्स तेणु वर्तमान आम देखा जे जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस रा जो रिभाइवल हवा कथा बा स्प्रेड हवा कथा ता न होई कि बरम डेमोक्रेटिक फोर्सेस बा डेमोक्रेटिक वैल्यूज सारा वर्ल्ड रे श्रिंक हो कमुची तेणु से ही कंटेक्सट रे मते लागुची जे एटा गोटे बहुत आशावादी स्थिति सृष्टि हो ना इन दि 21st सेंचुरी जोटा कि हवा कथा तेणु आमे भारतीय हिसाब से आमर डेमोक्रेटिक वैल्यूज आमर डेमोक्रेटिक हिस्ट्री जेहेतु बहुत स्ट्रंग आपड़ देखिए आम जो स्वाधीनता पाइले से भारत डेमोक्रेटिक कंट्री हो कि कंटिन्यू कर कि ना आपरे बहुत डाउट थिला किंतु जेहेतु आम डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशनल वैल्यूज बहुत स्ट्रंग आम वर्तमान भारत पृथ्वीर सब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बोलिकी आम कहीपर कि कंटेक्सट इंडिया जो इमिडियट बॉर्डर अच्छी इमिडियट नेबरहुड अच्छी से नेबरहुड आम देखुं प्राय जेनेली आंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस बहुत स्ट्रंग आम मेजर नेबर है चाइना इट्स ए डिक्टेटोरियल कंट्री आप पाकिस्तान देखते प्राक्टिकली नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री म्यांमार से ही रास्त वर्तमान नेपाल ऑलमोस्ट से ही रास्त बांग्लादेश डेमोक्रेसी एत स्ट्रंग नुहे तेणु आम आमर पड़ोसी राज्य मानक आमर जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अच्छी जमी नॉर्थ ईस्ट रे आम देखा
थ्रु म्यांमार आमको साउथ ईस्ट एशिया गेटवे मिलूँ आम साउथ ईस्ट एशिया जो ट्रेड इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट अच्छी आम म्यांमार थ्रु रही तेनालीर म्यांमार सहित जो बायलेटरल रिलेशन स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप अच्छी प्रोटेक्ट करने आवश्यकता अच्छी तेना यह सब कंटेक्स्ट वर्तमान यूनो जो नुआ यूनो इंटरनेशनल यूनो पॉलिटिकल ऑर्डर आई वुड रादर से न्यू इंटरनेशनल मिलिटरी ऑर्डर क्रिएट होती से चाइना को आम केमी क्षांत कर म्यांमार रे नॉट आई मीन इंटरवेन न करने आर्मी सपोर्ट इंटरवेन न करने इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक तेणु मु कहबी जे ये नुआ फेज स्टार्ट आसंता 20-25 वर्ष पर्यंत सारा पृथ्वीवासी जो मैंने डेमोक्रेसी लवर जो मैंने डेमोक्रेसी वैल्यू को प्रोटेक्ट करने को चाहूँगी से मैं गोटे बहुत कठिन समय एवं यही समय को टैकल करने को हेले किछिटा करेक्शन आवश्यकता रहुची किछिटा समस्त को सहयोग आवश्यकता होची जो सहयोग फल हुए तो म्यांमारवासी आग को शांतिर बाट देखी पारिबे एनेके अधिक मध्य आलोचना करिबा किंतु अपूर्व निजबा एक छोट बिरती विरती पर स्वागत पुणि थे आलोचना को आसवा श्रीयुक्त मिश्र आपंक मोर प्रश्न जो बर्ष बर्ष धरी जो अशांत रही म्यांमार सेठे केमी शांति फेर से व्यवस्था तो आम आलोचना करुचे बर्तमान केमी कौन करहयोग आवश्यकता रही कितु आउ गोटे कथ रही जदि संविधान से देशर सेमती से देशर संविधान स्ट्रक्चर में आहरी चेज कर आवश्यकता रही लोकंर मानसिकतार पर आणवार आवश्यकता रही जो केत लोकर एमती मानसिकता रोचे एमती हीन मानसिकता रोचे एमती बर्वचित आक्रमण किंवा एमती घृण्य मनोभाव से मानकर रहुची से सबुरे परिवर्तन आनिबा पई आपण कोण देखुछंती कोण उपाय आम पाखरे अछि देखंतु कथा हला जो संविधान कथा में कहू जे तार प्रणेता मानकर जो मानसिकता से मानसिकता ही संविधान रे प्रतिबिंबित होई था बिल्कुल तो म्यांमार रे से अवस्था कथि वर्तमान गोटे कथा आपण कहू छी आमे तो वर्तमान गांधीजी को ऊपर बहुत आलोचना करछु गांधीजीर जो प्रकार दर्शन थिला से दर्शन सारा पृथ्वी आदृत होता एवं से जो मैंने संस्पर्श आसते कि प्रकार बाणी उपदेश को ग्रहण करते जो देश मैंने निजे उपकृत होती सारा पृथ्वी कहते गोटाए व्यवस्था हेले ही सारा पृथ्वी शांति विराजमान कर अहिंसा मार्ग से अहिंसा मार्ग को प्रसारित प्रचारित एवं लोक मुखर पहुंचे हूँ बड़ कथा बर्तमान समय आउ गोटे कथा मुझे कहि आप देखिए जो मैंने भारत को बुली आभिन्न देश से भारतर अवस्था भारत लोक भारत सभ्यता भारत शांतिप्रियता को समस्त प्रशंसा कर पाकिस्तान लोक मैंने बुले आ खेलाड़ी मैंने आसुच्च विभिन्न देश चमत्कृत होती आकृष्ट होती किसर जो व्यवस्था शासन पद्धति रही से शासन व्यवस्था को देखिकर से चुप रोचान कहार से क्षमता तो प्रत्येक लोक गोटे निजी सैनिक भाव भाव जदि निजे घास दब तब देखते पृथ्वी लोक संख्या को इमाजिन करूँ म्यांमार लोक संख्या चिंता करूँ आम भारत बर्ष पड़ोसी राष्ट्रता है कहते टे आगे डॉक्टर साहू मुझे एकमत कहीं भारत वर्तमान मोदी सरकार समय देखिए जे अनेक समय प्रधानमंत्री मोदी आम नेबरिंग कंट्री को जा चेष्टा कर समस्त सुसंपर्क रखा पार कि कथा तत्सहित चाइनार जो पूरा कार्यकलाप नेपाल कथा कहते बंगलादेशर किसीटा अच्छी कितने सेपट सपट हो सिंघल कथा देखते सिंह तार अवस्था ये भाया श्रीलंका तेना ये जो प्रकार व्यवस्था रही अव्यवस्था चित्त भितर मनुष्य गति कर गणतंत्र को ग्रहण कर गणतांत्रिक पद्धति आज कथा सहज होना तेनाली बंधक मन शासन करवा तो अति सहज कि लोकंर मन जाना ये सहज नुह मानसिकतार परिवर्तन आनी पार जदि गांधी अहिंसा मार्ग को जब आहरी प्रसारित प्रचारित कर लोक आखिर पहुंच पार एवं ठीक आगे कहती सभ्य समाज केत हिंसा चाहे ना कितक मुस्लिमय लोक शासन को अख्तियार रखापी निजर गुरुत्व को जाहिर करने व्यवस्था करता
କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଲୋକ ହିଟଲର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଜାଗା ସବୁ ଶାସନ କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ହାର ମାରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାର ମାନେ ହାର ମାରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମୟ ଆସିବ ବଦଳିବ କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ କିଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ଯେହେତୁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଝିପାରିଲାନି ନିୟମର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିପାରୁଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏକାଠି ଆସନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ମିଳିବ ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବିଲକୁଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି କହୁଥିଲା 2011ରେ ମିଆଁମାରର ଯେଉଁ GDP ଥିଲା ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 7%ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ହ୍ରାସ ହେଲା ଫରେନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହ୍ରାସ ହେଲା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଧୀର ହୋଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗ୍ରାସ କଲା ଯେ ମିଆଁମାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫରେନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତ ମିଆଁମାର ଅର୍ଥନୀତି ଧୀରେ 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 ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ହେବାର ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଲାଗି ରହିଲା ଏମିତି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଲା ତାହେଲେ ମିଆଁମାର ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆର୍ମି କୁ ହେଉଛି ବା ମିଲିଟାରୀ ଟେକ୍ ଓଭର ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମିଲିଟାରୀ ଟେକ୍ ଓଭରଟା କେବେ ବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖେ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ଲିଡରସିପ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ପାୱାର ଲୋକଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ କବ୍ଜା ଭିତରେ ରଖିବା ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜିଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ଟାକୁ ସେଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମିଆଁମାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଆଇ ମିନ୍ ମିଲିଟାରୀ ହୁନ୍ତା ଯିଏ ଟେକ୍ ଓଭର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସପୋର୍ଟ ଦେବ ସେ ଟେକ୍ ଓଭରକୁ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବ ସେମାନେ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିର କଲୋନୀ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଯିବେ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ସେୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ନେପାଳ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଦିନ ଗତି କରୁଥିଲା ଆଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆପଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବେ ମିଆଁମାର କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମିଲିଟାରୀ ଟେକ୍ ଓଭର ହୋଇଛି ତେଣୁ ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ କେବଳ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମିଆଁମାରର ଇକୋନୋମି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଜିର ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଫେଜ୍ରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଟର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ତେଣୁ ମିଆଁମାରର ଯଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଏ ସଫର କରିବ କମନ୍ ମିଆଁମାରୀ ସଫର କରିବେ ମିଆଁମାରର ବର୍ମାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସଫର କରିବେ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ତ ମିଲିଟାରୀ ତା'ର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ କରିଦେବ ବାକି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଭାବର ଶିକାର ହେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସପ୍ଲାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଇ ମିନ୍ ମିଲିଟାରୀ କୁ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍କସନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପୋଜ୍ ହେବ ବା ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋଜ୍ ହେଲାଣି ସାଙ୍କସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ସାଙ୍କସନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ ହେବ ଆମେରିକା ସାଙ୍କସନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସାଙ୍କସନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବ ଆଦ୍ୱାରା କିଏ ସଫର ହେବ ଆଗେନ୍ ସେଇ ବର୍ମା ଲୋକ ବା ମିଆଁମାରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସଫର କରିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଙ୍କସନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମିଲିଟାରୀ ଲିଡରସିପ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିନାହିଁ ଆପଣ ନର୍ଥ କୋରିଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମିଆଁମାରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୟୁବାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ବା ଅଦର ମିଲିଟାରୀ କୁ ଯେଉଁଟା ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ହେଇଛି ସେଠିକାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ମିଲିଟାରୀ ଲିଡରସିପ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯିଏ ରିସୋର୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛି ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ବା ମସଲ୍ ପାୱାରଟା ଅଛି ତେଣୁ ହଇରାଣ ଯେଉଁମାନେ ହେବେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଆଁମାର ଇକୋନୋମିର ଯଦି ବା ଗ୍ରୋଥ୍ର ଯଦି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ବା ଆଗକୁ ହେବ ପୋଷ୍ଟ କରୋନା ୟୁନୋ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେଉଁ ରିକଭରି ହେବା କଥା ହେବ ନାହିଁ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ମିଲିଟାରୀ ଟେକ୍ ଓଭର ଏବେ ସାଙ୍କସନ୍ସ ଲାଗିବ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ନାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ହଇରାଣ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ବର୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରି ଆମ ପାଖାପାଖି 1600+ କିଲୋମିଟର ବର୍ଡର ଆମେ ସେୟାର କରୁଛୁ ତେଣୁ ଇଣ୍ଡୋ ମିଆଁମାରିଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମିଆଁମାରର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲିଡରସିପ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ଏନଗେଜ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଯଦିଓ ୱି ପ୍ରିଫର୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମିଆଁମାର କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମିଆଁମାର ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋପରେସନ୍ ଅଛି ମିଆଁମାର ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ କୋପରେସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ କାଲାଡାନ୍ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଗେଟ୍ୱେ ଦେବ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଆମକୁ ଆମେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଏ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ
सीटू एयरपोर्ट डेवलपमेंट ऑपरेशनलाइज करने चाहूँ कहीं आमको बे अफ बेंगल रू सीटू एयरपोर्ट जाइए पुणी नॉर्थ आई मीन साउथ ईस्ट स्टेट को आम आम ट्रेड इन करसबू जिन आखि आगे रखिले प्लस आम जो इनसर्जेन्सी ग्रुप्स गुड़ाक इंडो म्यांमार बॉर्डर में ऑपरेट करुछन्ती मोर देन 25 ग्रुप्स ऑपरेट करुछन्ती चेकमेट करवा ये सब इनफैक्ट आम जो गोटे इंडिया म्यांमार गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट थी नॉर्थ ईस्ट को गैस आने बा इंडिया बांग्लादेश म्यांमार जो यू नो ट्राइलेटरल गैस पाइपलाइन समय ना तो ये सब दिग्क नजर रखी भारत सरकार हिसाब से पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही है करेंट जे अच्छा रूलर जी अच्छा सहित कोलाबोरेसन कर आवश्यकता रही है एनगेजमेंट कर आवश्यकता रही आटलिस्ट निजर स्वार्थ दृष्टि बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहू और श्रीयुक्त मिश्रा आम सहित आलोचना भाग नहीं समय सारी स्वतंत्र आलोचना को ये रखुचु नमस्कार।